ओम शांति। नमस्कार। डिवाइन नेचर क्योर में आपका स्वागत है। मुद्रा थेरेपी की सीरीज में आज मैं आपको सिखाऊंगा आठवीं मुद्रा, जलोदर नाशक मुद्रा। जैसे इसका नाम है जल उदर, यानी वाटर एलिमेंट अगर पेट में बढ़ जाता है तो उसको कम करने के लिए इस मुद्रा का को लगाया जाता है। तो देखिए, सबसे पहले तो ये देखते हैं कि जलोदर मुद्रा को कैसे लगाएं। जो आपकी सबसे छोटी उंगली है, ये हमें हमारे शरीर में वाटर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करती है। अगर हम इसको मिला देते हैं ऐसे तो वाटर एलिमेंट बढ़ जाता है। अगर हम इसको थम से नीचे दबा देते हैं और बाकी तीन उंगलियों जो दो तीन उंगलियां हम इनको सीधा रखते हैं तो इससे क्या होगा, वाटर एलिमेंट जो पानी जल तत्व बढ़ा हुआ है धीरे धीरे वो अपने आप कम हो जाएगा। तो ये तो है इसको लगाने की विधि के। और फिर जो है दोनों हाथों से आप ऐसे लगा करके आराम से और घुटनों पर हाथ रख सकते हैं, फिर प्राणायाम ध्यान या ओम चैंटिंग कुछ भी आप कर सकते हैं। तो देखिए, ये तो हो गई मुद्रा की लगाने की विधि। अब आती बारी आती है कि मुद्रा के लगाने से क्या क्या लाभ मिलता है। पहला लाभ तो ये है कि जब भी किसी प्रॉब्लम की वजह से लीवर में पानी इकट्ठा हो जाता है या कहीं हाथ पैरों में पानी इकट्ठा हो जाए या फिर जो है आपके पैर में पानी कहीं भी इकट्ठा हो जाए, शरीर में जहां भी कहीं पानी इकट्ठा हो जाता है, या कहीं के हाथ में ऐसे जो है यहाँ बिल्कुल लटका हुआ होता है ज्यादा नमक खाने की वजह से, तो उस जल तत्व को ये कम करती है, उसमें बहुत लाभ मिलता है। जिसको पेट में यानी जो पानी होता है उसको ड्रॉपसी की हालत में जो है ये बहुत लाभ करता है। पानी अगर बढ़ जाता है तो उसको कम करता है। दूसरा, किसी को भी अगर खांसी जुकाम नजला बार बार नाक बहना छींके आना तो ये भी जो है जल तत्व के बढ़ने की वजह से ही होता है। तो अगर ये रोग है तो किसी को तो उसमें भी आप इस मुद्रा को लगा सकते हो। तीसरा, आंखों से अगर पानी आता है, कईयों की आंखों से लगातार पानी आता रहता है तो उस केस में भी इस मुद्रा के लगाने से पूरा लाभ मिलता है। बाकी हाथी पाँव फिलेरिया जिसको बोलते हैं, या हाथी पाँव या पैर में कई की सूजन आ जाती है ज़्यादा खड़े रहने से, या जो आजकल टीचर्स है या जो भी काम करते हैं या सेल्समैन का काम करते हैं वो खड़े रहते हैं, या पुलिस में हो या कोई भी हो ऐसी जॉब है तो उनके पैर में सूजन आ जाती है, तो उस सूजन को भी दूर करने में बहुत अच्छा लाभ मिलता है। चौथा लाभ है कि किसी को हाथी पाँव जिसे के बड़े बड़े पैर हो जाते हैं जिसके पूरे फूल जाते हैं, तो उस अगर हाथी पाँव का रोग है या वो प्रॉब्लम होती है तो उस केस में भी आप इस मुद्रा को आप लगाकर आप लाभ ले सकते हैं। लगाने का टाइम इसका है, आप जो 15-20 मिनट जो है दो या तीन बार भी कर सकते हैं। खाली पेट लगाना है, बैठकर जो है आप या तो नीचे बैठ जाएं या कुर्सी पर बैठ जाएं सोफे पे, और या फिर जो है आप इसको थोड़ा चलते फिरते भी आप इसको लगा सकते हैं। और दूसरा, खाली पेट आप जितना लगाएंगे उतना आपको लाभ इसके ज्यादा मिलेगा। और बाकी फिर आती है अगला लाभ इसे जो है, अगर किसी को लकवा हुआ है और लकवे की वजह से बिल्कुल एनर्जी का लेवल बिल्कुल लो हो गया है तो एनर्जी लेवल को बढ़ाने के लिए भी जो है आप इस जलोदर नाशक मुद्रा का आप लाभ ले सकते हैं, लगा सकते हैं। लेकिन देखिए फिर कितनी देर इसको करना, कब तक करना है, जब तक वो बीमारी खत्म न हो जाए तब तक आपने इस मुद्रा को लगाना है। इस मुद्रा के लगाने से आपको लाभ पूरा मिलेगा। तो एक बार और मैं रिपीट कर देता हूँ, जिनको भी शरीर में कहीं भी फेफड़ों में पेट में हाथ पैरों में पानी जमा हो जाता है तो उनके लिए। दूसरा, आंखों से किसी को पानी आता है ज्यादा उसमें। तीसरा, अगर किसी को नजला जुकाम खांसी या बार बार स्नीजिंग की प्रॉब्लम होती है तो उसमें भी इसका लाभ मिलता है। फिर हाथी पाँव अगर होता है
पैर मोटा हो जाता है, पैरों में सूजन आती है, या फिर जो है कईयों को लकवा हो जाता है, पैरालिसिस हो जाता है, उसमें बिल्कुल एनर्जी लेवल डाउन हो जाता है। तो एनर्जी लेवल को बढ़ाने के लिए भी आप इस मुद्रा को इस तरह से जो है आपकी छोटी उंगली को अंगूठे से ऐसे मिला के दबा लें तो ये आपकी जलोदर नाशक मुद्रा बनती है। तो इसको आप लगाइए और लाभ लीजिए, बहुत अच्छा चमत्कारिक आपको लाभ मिलेगा। आप सदा खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अगली मुद्राओं में हम फिर से मिलेंगे। और जो मैंने वरुण मुद्रा, क्योंकि जो हमने अभी तक ये आठवीं मुद्रा है, सात मुद्रा मैंने आपको सिखाई है, तो इससे एक मुद्रा बनती है ज्ञान मुद्रा, फिर ये वायु मुद्रा बनती है, इससे आकाश मुद्रा बनती है, फिर ये इसको अगर दबा देते हैं सेकंड फिंगर को तो आपकी शून्य मुद्रा बनेगी। अगर हम रिंग फिंगर से अंगूठा दबाते हैं, मिलाते हैं, तो पृथ्वी मुद्रा। और इसको जो है आप अगर अंगूठे से रिंग फिंगर को दबा देते हैं तो आपकी सूर्य मुद्रा बनती है। और फिर आपकी ये थी सातवीं मुद्रा। अगर आप जो है अंगूठे से अगर आप उंगली को, छोटी उंगली को मिलाते हैं तो इससे वरुण मुद्रा बनती है। अगर उंगली को, छोटी उंगली को दबा के बाकी उंगली सीधी रखते हैं तो इससे आपकी जलोदर नाशक मुद्रा बनती है। थैंक यू, ओम शांति।